हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स। हमारी है आर्य पब्लिशर की वर्कबुक, जिसका लेसन 11 है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। यानी कि इस चैप्टर में हम एरिया और पैरामीटर जो है इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखे हैं फिलअप्स। तो फर्स्ट फिलअप हमारा है डैश इज द रीजन एनक्लोज बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर। जो बाउंड्रीज होती है ना फिगर की, वो अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर इज अ रीजन। मतलब पैरामीटर होती है वो चीज जो कि एनक्लोज बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द फिगर। फिगर की जो बाउंड्री होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये जो बाउंड्री निकालने के लिए जब हमें बोला जाता है ना, तो इसका मतलब हमें पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है। पैरामीटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है तो साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि जो भी साइड दे रखी है उनको, उसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। द सम टोटल ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ऑफ द सिंपल क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। देखो ये सिंपल क्लोज फिगर है और ये लाइन सेगमेंट्स दे रखी हैं, अगर हम सबको प्लस कर दें तो इसका मतलब ये इस फिगर का पैरामीटर है। उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं, जो स्क्वायर्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, और जो एक एक स्क्वायर है ना 1 सेंटीमीटर है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा। जितने भी स्क्वायर्स दे रखे हैं बाउंड्री, मतलब इन सबको प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ऐसे इसको काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये 21 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे भी हमें पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर बाउंड्री होती है, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर देंगे 15, सबको प्लस कर देंगे 19, सबको प्लस कर देंगे 12। यहाँ पे हमें जो मिसिंग लेंथ है वो बतानी है। देखो यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है, पैरामीटर इन्होंने हमें बता रखा है 20 है, ये फिगर्स की हमें ये लेंथ दे रखी है, लेकिन इसकी नहीं दे रखी हमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये जितनी भी है ना सबको प्लस कर लेंगे और पैरामीटर में से माइनस कर देंगे, तो हमारी ये लेंथ आ जाएगी। सबको प्लस कर दिया, पैरामीटर से माइनस कर दिया, तो 7, यानी कि जो हमारी लेंथ हमें नहीं पता था ना उसको हमने एक्स मान लिया, तो इन सबको प्लस किया 13 प्लस है एक्स। अब एक्स हमारा इधर आ गया, जब ये डिजिट हमारी, ये जो नंबर हमारे जब इधर गया तो इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो गया, 20 में से 13 को माइनस किया 7। ऐसे ही सब में करेंगे, जो हमें दे रखे हैं उनको प्लस करके पैरामीटर में से माइनस कर देंगे, इसका 5 आ गया, और यहाँ पे इसका जो है इन सबको प्लस करके पैरामीटर में से माइनस किया तो इसका 5 सेंटर आ गया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया, इसका भी 5 आया और उसका भी 5 आ गया। अब थर्ड देखो, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमें द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 16 सेंटीमीटर, अब हमें एक स्क्वायर का एरिया बताना है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। तो जब भी हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो साइड इंटू साइड करते हैं, यानी कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 20 मीटर और 15 मीटर की डायमेंशन दे रखी है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर, जो भी एरिया निकलता है हमारा स्क्वायर में आता है। हुज एरिया इज मोर अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर और अ रेक्टेंगल डायमेंशन इज 5 × 3। यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और बताना है किसका एरिया ज्यादा है। अगर हम स्क्वायर का निकालेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, यानी कि 100, और अगर हम रेक्टेंगल का निकालते तो 5 × 3, यानी कि 5 × 3 = 15, तो 100 ज्यादा होगा तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा। उसके बाद द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हूज साइड इज 6.4 सेंटीमीटर विल बी, एक जो द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड हमें 6.4 दे रखी है तो उसका पैरामीटर कितना होगा, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 6.4, तो पैरामीटर कितना होगा 6.4। पैरामीटर हमें स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 × साइड, यानी कि जो साइड दे रखी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा पैरामीटर निकल आता है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 10.5, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें दे रखी है लेंथ ब्रेथ, और यहाँ पे भी एरिया निकालना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकल आएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, यहाँ पे हमें ब्रेथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, लेंथ निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी हमें लेंथ दे, यहाँ पे हमें लेंथ, यहाँ पे हमें ब्रेथ दे रखी थी, लेंथ निकालनी थी, यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी, तो इन इस केस में भी हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, चाहे लेंथ निकालनी हो चाहे ब्रेथ निकालनी हो, आपको जो है एरिया से उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन जब एरिया निकालना है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दे रखी होगी तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर लेंथ और ब्रेथ में से दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं दे रखी तो एरिया के साथ जो चीज दे रखी है उसको डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ लेंथ दे रखी है ब्रेथ नहीं दे रखी तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सम्स, फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ वॉल टू वॉल कार्पेट इन अ रूम, लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है और व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ। देखो पहला तो इन्होंने यही बोला है कि हमें ना एरिया निकालना है किसका, एक वॉल कार्पेट है जिसका एरिया निकालना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया निकल आया वॉल कार्पेट का। अब हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर जो है ना 50 रुपीज का है, तो 100 मीटर स्क्वायर कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5400 रुपीज जो उसकी वो कॉस्ट होगी वॉल कार्पेट की, ठीक है। पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, एक जो रेक्टेंगल क्या है यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ, देखो यहाँ पे हमें पैरामीटर दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। रेक्टेंगल की पैरामीटर और लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है, उसके बाद हमें जो है उसका एरिया भी निकालना है। तो पैरामीटर रेक्टेंगल 100 है और उसका जो तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला। तो 100 देखो यहाँ पे जो 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो इधर आके इसके साथ 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो कट करके क्या आएगा, 2 को 100 से कट करेंगे तो 50, यहाँ पे क्या था 30 + B 30 + B, अब यहाँ पे ये 30 जो है बी के साथ क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इसके साथ माइनस, तो 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ब्रेथ आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें कितनी दे रखी थी 30 दे रखी थी और ब्रेथ हमने कितनी निकाली है 20 निकाली, तो 3 × 2 = 6 और 2 = 0, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका जो है एरिया आ गया, ठीक है। आप देखो सी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है फाइनेंसिंग की। अब जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ 120 मीटर और ब्रेथ उसकी 80 मीटर दे रखी है, तो बताना है कि इसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी फाइनेंसिंग के लिए। तो पहले तो हमें इस पार्क का पैरामीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से एक पार्क है उसके चारों तरफ बाउंड्री लगानी है फाइनेंसिंग की, तो पहले तो हमें इसका पैरामीटर ही निकालना पड़ेगा पार्क का, तभी तो पता चलेगा कितनी फाइनेंसिंग चाहिए, उसके बाद ही कॉस्ट निकलेगी। तो पैरामीटर और पार्क निकालने के 2 × L + B का फॉर्मूला है, 2 की जगह 2, एल और बी हमें दे रखा है, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जो प्लस करने के बाद आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 256 मीटर आ गया पैरामीटर। अब कॉस्ट पर मीटर तो 2 रुपीज है, तो 256 की कितनी होगी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, 256 × 2, तो 512 रुपीज जो इसकी कॉस्ट आएगी। ई में देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ वॉल टू बी वाइट वॉश, अब यहाँ पे भी वॉल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो सिंपल हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 शीट्स दे रखी हैं प्लाईवुड की, प्लाईवुड की यहाँ पे 2 शीट्स दे रखी हैं हमें। यहाँ पे हमारा डी मिस हो गया, डी है हमारा विच कार्पेट इज बिगर इन एरिया, 1 मेजरिंग इज 14 मीटर इन लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है और जो दूसरा है उसकी भी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, 2 कार्पेट हैं, ठीक है, बताना कौन सा कार्पेट बड़ा है। दोनों का ही हम एरिया निकाल लेंगे, पहले का जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्पेट 1 14 × 12.5, ये पहले वाले का एरिया निकल आया, दूसरे की लेंथ ब्रेथ दे रखी है उसका भी एरिया निकल आया, ठीक है। अब बताना है कि विच कार्पेट इज बिगर, कौन सा जो कार्पेट है वो बड़ा है, देखो 175 है, ये 220 है, तो हमें पता चल रहा है देख के जो सेकंड वाला कारपेट है उसका एरिया बड़ा है। आप लिखोगे एरिया ऑफ कारपेट 2, आप 2 आप TW2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट 2 इज बिगर देन कारपेट 1, ठीक है। यहाँ पे TW2 लिख लेना, स्पेस नहीं है, नंबर में मत लिखना, एरिया ऑफ कारपेट 2 इज बिगर देन कारपेट 1। अब F देखो, F भी हमारा जो है ना D के जैसा ही है, यहाँ पे 2 शीट्स दे रखी हैं प्लाईवुड की जिसमें से जो पहले वाले की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है
और दूसरा जो पहला वाला जो शीट है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का है और जो दूसरी शीट है वो स्क्वायर शीट है, ठीक है, उसकी हमें साइड दे रखी है, तो दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो जो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शीट ऑफ प्लाईवुड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर शीट ऑफ 12.5 × 12.5, क्योंकि स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है। अब दोनों के ही एरिया निकल आए। अब उन्होंने आगे हमसे पूछा है विच वन हैज अ लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन सा एरिया ज्यादा और कितना ज्यादा है। तो हमने जब दोनों में से देखा कि कौन सा एरिया ज्यादा है, हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, स्क्वायर शीट हैज लार्जर एरिया बाय, दोनों को माइनस कर देंगे, 93.25 जो है मीटर स्क्वायर एरिया बड़ा है, किसका, स्क्वायर का। अब यहाँ पे फाइंड द पैरामीटर एरिया फॉलोइंग, यहाँ पे हमें पैरामीटर और एरिया निकालना है। देखो साइड हमें 6 दे रखी है, पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये यह हमारा स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड करेंगे 24 आ जाएगा, एरिया के लिए साइड इंटू साइड करेंगे 36 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ लिख लेंगे, पैरामीटर निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं ना, तो लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पैरामीटर निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी को प्लस करके 14 प्लस 4 को प्लस करके 18 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सी, यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 400 मीटर, साइड और पैरामीटर निकालना है। तो पहले साइड निकालने के लिए देखो जो हमारा फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड, ऐसे ही 400। अब 400 को कैसे लिखेंगे स्क्वायर में, 20 स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 20, तो साइड कितनी आ गई हमारी 20। पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मीटर आएगा, 4 टू जा 8, एरिया हमें दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है और हमें एरिया दे रखा है। एरिया को हम ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो हमारी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। फिर हमारी जब लेंथ आ जाएगी तो पैरामीटर निकाल सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, दोनों को प्लस करेंगे और 50 आ जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर, पैरामीटर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो है लेसन 11 कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।